और अब मुझे ढूंढना है अपने काउच सर्फिंग होस्ट को. तुर्की में आने के बाद पहला गांव वो भी पहाड़ में. अचानक कले नो ओके ओके ऑलराइट. गर्ल्स डोंट हेजिटेट अबाउट काउच सर्फिंग. My name? Yeah. Varun. Varun. Yeah, Varun. Okay. Yeah, Varun. See, like this. Yeah, yeah. Yeah, okay. Yeah. मैं पहुंच गया हूं तकिरदा और ये एक रेस्टोरेंट है थैंक्स टू माय होस्ट. उनका नाम है डेनिस और मैं अब आपको उनसे मिलाने वाला हूं. हेलो. काउच सर्फिंग जिंदाबाद. रात का टाइम है. टाइम हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं. एक और नया दिन शुरू हो चुका है. सुबह के 9:50 हो रहे हैं. मैं हूँ तेकिरदाग में. तेकिरदाग आने का बहुत बड़ा रीज़न था मेरे जो काउच सर्फिंग होस्ट हैं उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था. और बाकी मैंने गूगल पे चेक किया था ये जगह कैसी है. मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ आ सकता हूँ क्योंकि छोटी जगह है और एक्चुअल कल्चर यहाँ का तुर्की का खासतौर पर वेस्टर्न तुर्की का जहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं मुझे जानने को मिलेगा. और अब सुबह जब हो चुकी है ये इलाका मैंने देखा उनके घर से यहाँ तक आया मैं. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वाकई कोई गलती नहीं की है. ये बहुत खूबसूरत है. जगह का नाम है तेकिरदाग. इस वक्त मैं हूँ समुद्र के साथ में. उस तरफ सारा परमरा समुद्र है सी है. और ये है एक रनवे. बिल्कुल रनवे जैसा लग रहा है. आज है मंडे. लोग अपने अपने काम पर निकल चुके हैं जा रहे हैं. वो छोटी छोटी बसें हैं यहाँ पर लोकल बसेस. तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी कुछ ऐसी है यहाँ की जो मैं थोड़ा सा और आपको दिखाऊंगा. अच्छा लग रहा है इन सबको ऐसे देखते हुए क्योंकि आज मंडे है. इनकी तरह मैं भी जा रहा होता और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए निकला हुआ हूँ. खैर ये है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर. मैं यहाँ से जाके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूँगा कि आज मैं क्या कर सकता हूँ. हालाँकि आज मंडे है. वेडनेसडे को मुझे अपना वीडियो भी डालना है और बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है. तो सबसे ज़्यादा चिंता मेरे को वीडियो की है. तो मैंने सोचा है कि मैं कहीं बैठ के वीडियो बनाऊंगा कोई चार्जिंग पॉइंट अगर मिल जाता है तो. और ये कुछ मेरे काम का लग रहा है. ये क्या है ये मैं अंदर जाके पता करता हूँ. हेलो हाय मे आई कम इन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो. कैन आई सिट? कैन आई कम? थैंक यू. थैंक यू सर. ओके ऑलराइट. ओके थैंक यू सर. हां हां इंग्लिश. Oh, English. Okay. Okay. Thank you. काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठा रहा था पीछे जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है वहाँ बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था. दोपहर के इस वक्त 12 बज रहे हैं और यहाँ आ गया हूँ. अच्छा लग रहा है यहाँ आके. कुछ देर यहाँ बैठूँगा वीडियो एडिट करूँगा. अच्छी जगह है रिलैक्स करने के लिए. तेकिरदाग बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं. अच्छा लगेगा आप आएंगे तो. उस तरफ कहीं पहाड़ है वहाँ पर. उन पहाड़ों पर पैराग्लाइडिंग होती है पैरासेलिंग होती है बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं. और आज शाम को शायद मैं ऐसे ही किसी जगह पर जाने वाला हूँ अपने होस्ट के साथ. मैं यार सुबह से लेकर अब तक सिर्फ वीडियो ही बनाता रहा और एक वीडियो थोड़ा बहुत तैयार हो गया है पर अभी उसमें अभी कुछ और चीज़ें करनी बाकी हैं. फिलहाल मैं अपने होस्ट के साथ में कहीं घूमने के लिए जाने वाला हूँ और उनका वेट कर रहा हूँ. तुर्की में आने के बाद पहला गांव वो भी पहाड़ में. इस जगह का नाम है उचमकदेरे. I'm from Hindustan. Hindustan. Okay. Oh, okay, okay. I understand a little bit. Kepçeciye sordum. İki tane ayırsız var dedim senin yanında. तुर्की के एक आम से गांव में आके बहुत अच्छा लग रहा है. इस इलाके का नाम है ट्राकिया
और त्राकिया इलाका कुछ ऐसा है जैसे आप समझें हिमाचल प्रदेश, हालांकि हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, त्राकिया एक स्टेट नहीं है, त्राकिया एक रीजन का नाम है और ये थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है। ज़्यादातर लोग इस्तांबुल, कैपडोकिया, अंताल्या, कोनिया, थोड़े बहुत अंकारा बस ये देख के चले जाते हैं और तुर्की ख़त्म हो जाता है, मगर त्राकिया अनएक्सप्लोर्ड है। उचमकदेरे एक छोटा सा गांव और ये जो घर है ना बिल्कुल पहाड़ी हिमाचल और उत्तराखंड के जो गांव हैं बिल्कुल वैसा लग रहा है, लकड़ी का घर और उसकी छत बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे पहाड़ों में होती है। पहाड़ एक जैसे ही हैं, लोग एक जैसे ही हैं, गांव एक जैसे ही हैं दुनिया भर में। अभी मैं इन जनाब से मिला था, आपको तो खैर दिखाया ही था, पहाड़ों के लोग गाँव के लोग बड़े सिंपल होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा तो बड़ा मन करता है काश इस घर में रहने का मौका मिले। गोजली में मैंने खाया था चामलीजा में। Is that honey? Yes, honey. Okay, and what do you call this in Bal. Bal. It's in Turkey, yes. Bal. Bal. Hey, what's the meaning of the bal? The hair. Yeah. Hey, no, yeah, yeah, no. It's honey. It's bal. Bal. Yeah. Okay. In Russian, it is mint. और जो मैं अब खाने जा रहा हूँ और जो पीने जा रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। ये जो बर्तन है ना यही मुझे बड़ा ख़ास लग रहा है, ये कल्चर का हिस्सा है और ये जो चीज़ है इसके अंदर ये बेशक लस्सी या छाछ जैसा लग रहा है बट इसको बोलते हैं आयरन और ये दही का बना हुआ है। अभी मैंने इसको पिया नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ क्या है। और ये है गोजले में, ये है चीज़, इसके अंदर है पनीर और इसके अंदर है आलू, ये एक्चुअली छाछ है। It is yummy. Yeah, this one is good. Okay. Yeah, thank you. 20 liras ka tha, do guzal mein. Guzal? What do you say? What did it be? Huh? No, what did we eat? Gozleme. Gozleme. Yeah. And what was the drink? Ayran. So Dennis ne do guzleme khaye, do maine khaye. Ayran hum dono ne piya. 20 लीरा का खर्चा आया। 20 लीरा कितना होता है इंडियन रुपीस? 220 रुपए के आसपास। बस मॉस्क? या मॉस्क। ओह माय गॉड, आर दीस एप्पल? यस, एप्पल ट्री। वाओ। जनाब अगर इस जगह पर आना है ना तो आपको इस्तांबुल से बाहर निकलना पड़ेगा, त्राकिया आना पड़ेगा और तेकिरदाग से आप लोग एक लोकल बस उचमकदेरे के लिए, और उचमकदेरे वाला जो रोड है आपको थोड़ा सा उतरना पड़ेगा और फिर आप पैदल यहाँ आ जाएंगे या फिर आप काउच सर्फिंग कीजिए। उचमकदेरे में पता नहीं कोई काउच सर्फर है या नहीं, मगर तेकिरदाग में आपको ज़रूर काउच सर्फर्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे और हो सकता है गाइड्स मिल जाएं। आप वहाँ से रेंट कर सकते हैं बाइक्स, कार्स, जो भी है। ये सुंदर है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद हैं और पहाड़ के साथ समुद्र भी मिल गया जनाब, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, करीब 25 डिग्री के आसपास इस वक्त टेम्परेचर है। यहाँ लोग आते हैं वहाँ ऊपर से पैराग्लाइडिंग करते हैं वहाँ ऊपर से, तो वो भी कर सकते हैं आप उचमकदेरे में पैराग्लाइडिंग। वैसे तो तुर्की में फेथिया नाम की एक जगह है जो थोड़ी फेमस है, बट लोग यहाँ पर भी करने आते हैं और मुझे लगता है ये बहुत सुंदर है। व्हाट इज दिस रिटन इन दिस यमाच? यमाच Like mountain, something about mountain. Yeah. Mountain is da. Tekirdag da. Mountain. Oh, okay. Tekirdag is mountain. Da is mountain. Okay. It's okay. दोपहर के 12 बज चुके हैं, आज है 4 सितंबर। तेकिरदाग में मेरा स्टे ख़त्म और मैं करीब परसों यहाँ पर आया था, कल मैं घूमने के लिए गया था उचमकदेरे। और अच्छी बात यह कि अगली जगह पर जहाँ मैं जाने वाला हूँ, जगह का नाम है गेलीबोलू और वहाँ पर भी मेरा स्टे का इंतज़ाम हो गया है थैंक्स टू काउच सर्फिंग। एक बात ज़रूर है कि जब भी मैं किसी छोटी जगह पर, इस्तांबुल एक बहुत बड़ा शहर है, बैंकॉक बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क वगैरह, दिल्ली, आप
इनसे हटकर कहीं पर रहते हैं, रहना चाहते हैं और आप वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ज़्यादा रहते हैं बजाय बड़े शहरों के। ऐसा ही मेरे साथ यहाँ हुआ, तेकिरदाग में मैंने कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेजे थे और जो रेट ऑफ एक्सेप्टेंस था वो काफ़ी अच्छा था। मैंने देखा है कि जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना काउच सर्फिंग होस्ट को लेकर, तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेजने लगते हैं, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजने लगते हैं मेरे होस्ट को, ख़ासतौर पर जो फीमेल होस्ट होती हैं। जैसे कि मैं वियना में मैं चेक रिपब्लिक में था और ओमाहा में था अमेरिका में, थोड़ा सा ये गलत है, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है इतने सारे रिक्वेस्ट का अचानक आना बिना किसी वजह के। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी होस्ट से। I'm Deniz. I'm from Turkey, city of Tekirdag, working in the university. मैंने बताया कि काउच सर्फिंग का स्टे मैंने यहाँ किया और काउच सर्फिंग मेंबर्स में से बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी जो फीमेल ट्रैवलर्स हैं वो काउच सर्फिंग को यूज़ करती हैं। अब मेरे वीडियोस में अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि काउच सर्फिंग सेफ है क्या। मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, क्या हमें सेफ्टी और कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्या टिप्स होनी चाहिए काउच सर्फिंग करते हुए, ये भी मैंने आपके साथ में शेयर किया। लेकिन एक फीमेल काउच सर्फर होने के नाते आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? चेक द रेफरेंसेस अबाउट काउच सर्फिंग रेफरेंसेस, इट्स वी गुड एंड गर्ल्स डोंट हेजिटेट अबाउट काउच सर्फिंग। तो रेफरेंसेस ज़रूर चेक कीजिए। काउच सर्फिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है घूमने के लिए, आपको वहाँ के कल्चर के बारे में अंदाज़ा मिलता है। शायद मैं उचमाकदेरे नहीं जा पाता अगर मैंने काउच सर्फिंग नहीं की होती। रेफरेंसेस को ज़रूर देखना, रेफरेंसेस का मतलब होता है, हालांकि मैंने पुराने वीडियोस में शेयर की है ये बात, मगर मैं फिर से करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे या चैनल पे अभी रिसेंटली आए हैं। तो रेफरेंसेस मतलब जैसे मैं यहाँ पर ठहरा, तो अब मेरी होस्ट मेरे लिए एक रेफरेंस लिखेंगी कि मैं कैसा इंसान हूँ, और ऐसे ही मैं उनके लिए एक रेफरेंस लिखूंगा कि ये कैसी इंसान हैं, और एक होस्ट के तौर पर हाउ इज़ शी, वो कैसी हैं, और मतलब क्या मेरा स्टे अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या इन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर प्रॉब्लम हुई है तो वो मेरे लिए कुछ रेफरेंसेस में लिखेंगी कि आई एम नॉट ए गुड पर्सन और मेरा इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, ताकि मैं किसी और को जब रिक्वेस्ट भेजूंगा ना इन फ्यूचर, तो वो इनके रेफरेंस को पढ़ेगा और पता लग जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो इस तरीके से रेफरेंसेस को ज़रूर ध्यान रखें। रेफरेंसेस जैसे कुछ ऐसे हैं जैसे कि रिव्यूज़, मेरा रिव्यू, उनका रिव्यू, आपको पता लग जाएगा कि वो कैसा इंसान है, मुझे उसको होस्ट करना चाहिए या नहीं, या मुझे उसको एक होस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहिए या नहीं। And they can look at the Facebook and Instagram profiles. मुझे ये भी लगता है कि आप अगर जैसे मैं अपनी होस्ट को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट भेजने से पहले मैंने इनका फेसबुक प्रोफाइल भी देख लिया, तो मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये फेक तो नहीं है या फिर ये इंसान एक्चुअली कैसा है। यूजुअली फेसबुक मीन्स एटलीस्ट यू कैन सी हाउ ओल्ड इज द प्रोफाइल एंड something. Photographs can make you learn about the person. Learn about the person. And I'm very pleased to host Varun. I want to say this. Thank you very much. You're welcome. And I'm saying again and again that because of you, I could see Uçmakdere. Yeah. I could see the. I could eat a very delicious Gozleme and Ayran. But I want to say that I invite you, I welcome you to India so that you can experience our hospitality, Indian hospitality. Yeah, thank you. And you will love it. And especially... I'm very wondering, looking forward. But girls, don't hesitate. Girls, don't hesitate. Yeah. Please don't hesitate. Yeah. मेरा बहुत मन करता है जैसे जैसे वेस्टर्नर्स घूमते हैं ना, वेस्टर्नर्स लड़कियाँ घूमती हैं, अकेली घूमती हैं, पूरी दुनिया देखती हैं, डर होते हैं थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इन वीडियोस को देख के अगर आपकी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ेगी और अगर आप भी ट्रैवल करना शुरू करेंगी अकेले। आने वाले ट्रिप्स में भी मैं आपकी मुलाकात कराता रहूँगा अपनी होस्ट जैसे और भी ट्रैवलर्स से जिनको ट्रैवलर्स पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है। फिलहाल हम अब चलते हैं क्योंकि मेरी होस्ट को जाना है अपने यूनिवर्सिटी में और मैं निकलूँगा गिली बुलू जहाँ मेरा अगला पड़ाव होने वाला है।
Yeah, hitchhiking karne wala hu main. I forgot to say this. Thank you very much. Aaj main hitchhiking karne wala hu. How do you? Yeah, I could understand you. Yeah. Oh, that's great. Okay. Jagah actually bahut khoobsurat hai. Mujhe samajh mein nahi aa raha ki main aapse baat karun ya main nazare dikhaun aapko. But ek bahut important mudda hai kyunki baat couchsurfing ki ho rahi thi aur maine ye mehsoos kiya mere kafi sare hosts ne mujhe baad mein bataya videos aane ke baad mein ki unko bahut sare friend request aur bahut sare messages aane lagte the unnecessary messages. एक चीज़ मैं आपको बता दूं जनाब, काउच सर्फिंग में और टिंडर में फ़र्क है. काउच सर्फिंग डेटिंग एप्लीकेशन नहीं है, इस बात का ख्याल रखो. तो अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखो, आप क्या चाहते हैं. बस इतना ही मैसेज देना था, बाकी नज़ारों की मजे लीजिए. बहुत खूबसूरत है तेकिरदा. दिस इज ऑल तेकिरदा. पहुंच गए जनाब हाउच नहीं हाउच सर्फिंग बोल रहा था हिच हाइकिंग एंड काउच सर्फिंग काउच सर्फिंग एक्चुअली हिच हाइकिंग करने के लिए जहां मेरे को शुरुआत करनी थी यहां पहुंच गया हूं. ये है व्हाट डू यू कॉल अ पेट्रोल स्टेशन इन टर्किश. बेंजीन स्टेशन. अगर आप फ्रेंच हैं तो अच्छे से भली भांति आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. यो कार टेढ़ी खड़ी है इसलिए मैं बाहर निकल नहीं पाया था आराम से. मिनी मार्केट्स भी है यहाँ इस बेंजीन स्टेशन पर. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम समवन या कॉल मी. श्योर श्योर आई एम वेरी नियर यू. या 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 आई थिंक थैंक यू वेरी मच. इट्स हेवी सीरियसली. Yeah. Okay. Maybe you should leave because you're getting late. Yeah. Okay. I'm sad for you. Yeah. In Turkey, we are hugging two times. Oh, okay, okay, okay. So oh, I right, okay. Two times. Oh, okay. I'm very pleased for you. Yeah, yeah, for your travel. Yeah, yeah. And thanks a lot. Yeah. How should I say thanks? I don't know. But Teşekkür. Just thanks. Teşekkür. Yeah, I know that's how to say teşekkür, but whatever you did for me. It's so big and the teşekkür is so small. Ah, yes, yeah. So lot of teşekkür. Yeah. So you please, yeah. Thanks a lot. Thank you very much. Thanks a lot, Dennis. आपको मेरी मतलब क्या बताऊँ मैं अब. Thank you very much. बस teşekkür. तो जनाब ये है मेरा हिच हाइकिंग का पहला पेट्रोल पम्प बेंजीन स्टेशन. और यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूँगा इनकी मिनी मार्केट क्योंकि मेरे को जाना है मूत्र विसर्जन करने के लिए. वहाँ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये पूछना पड़ेगा. ये एक्चुअली एक ट्रक स्टॉप जैसा एक स्टॉप है जहाँ एक लीरा पे करके आप फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं. अपना बैग मैंने यहाँ रख दिया है और अब लोगों से पूछना शुरू करता हूँ. एक्सक्यूज मी, हाई, आर यू गोइंग टुवर्ड्स चनकले? चनकले कैन आई कम विद यू? चनकले अब तो स्टॉप गली बोलू. नो, वेयर आर यू गोइंग? हाँ, ओके ओके, थैंक यू. थैंक्स. आई एम आस्किंग फॉर Hitchhike, you know hitchhike? Autostop. Ah, autostop, autostop. So, is it okay? Nice. No problem. Thank you. Teşekkür. Zor. Zor. I don't know. Oh, zor. Wait. You're good. Okay. I'm going to Çanakkale Gelibolu. Gelibolu. Excuse me. Hi. I'm from India. Autostoppen? You speak German? German? Sprichst du Deutsch? Deutsch? Sprichst du Deutsch? Deutsch? No, English. Yeah. No. Okay. You speak Deutsch? Yeah. Where are you going? Yeah. Where? Balkara, Çanakkale.
Çanakkale? Çanakkale. Okay. Can I come with you? No. Thank you, sir. Ah, okay. All right. Okay. Yeah. Thanks. मेरी जो होस्ट हैं उन्होंने मुझे कुछ फ्रेज कुछ सेंटेंसेस कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिख कर दे दी थी, जैसे कि मैं आप कहाँ जा रहे हैं, मैं इंडिया से हूँ, मुझे आप क्या वहाँ तक ले चलेंगे, थैंक यू, आप कैसे हैं, हाय, तो ये सब टर्किश में लिख के दी और मैं इनका इस्तेमाल करके अब लोगों से पूछना शुरू करूँगा, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, बेनिस, नो नीरिए गिदियोरसुम, एक्सक्यूज मी, आई एम ए टूरिस्ट, बेनी ट्यूरिस्टन हिंदुस्तान निरिये गिदियोरसुम चनक्कले ओके थैंक यू यहाँ पर रिफ्यूज़ल मिल रहा है ना तो भी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी फील हो रही है यहाँ, अच्छा लग रहा है.